राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कुंडली से जेल योग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 40 महीने तक जेल में बिता चुके लालू यादव आठवीं बार जेल पहुंच गए हैं। चारा घोटाले में डोरंडा ट्रेजरी से फर्जी कागजात के आधार पर 89 लाख रुपए की निकासी के मामले में लालू यादव को फिर से जेल जाना पड़ेगा। इससे पहले चाईबासा, दुमका और देवघर कोषागार से निकासी मामले में लालू यादव लंबे अरसे तक सजा भुगत चुके हैं। मंगलवार को अदालत ने अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया। इस मामले में लालू समेत 99 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई, जिसमें 24 लोगों को बरी लेकिन लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव कई बार जेल जा चुके हैं। 23 दिसंबर 2017 को देवघर कोषागार से 89 लाख रुपए के न्यायिक मामले में लालू यादव को सजा हुई थी। लालू के वकीलों ने काफी हाथ पैर मारा था लेकिन उन्हें जमानत ना मिल सकी। कपिल सिब्बल जैसे सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की पैरवी की थी। साल 2021 में 40 महीने की सजा काटने के बाद लालू प्रसाद को जमानत मिली थी। डोरंडा कोषागार से निकासी मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स में उनका मेडिकल कराया गया है। वो रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार को सूचना दे दी गई है कि लालू प्रसाद को जेल में रखने की व्यवस्था की जाए। क्या है डोरंडा कोषागार का मामला? डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 26 सितंबर 2005 को चार्ज फ्रेम किया था। वहीं साल 2001 में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई थी। शुरुआत में 170 आरोपित थे, इनमें से 55 की तो मौत हो चुकी है। दीपक चांडक और आरके दास समेत 7 आरोपी सीबीआई के गवाह बन चुके हैं। वहीं सुशील झा और पीके जायसवाल ने कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है, जबकि 6 नामजद आरोपी फरार हैं।